हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज हमारे पास है एक हमर जिप, जिसका यूज़ शाहरुख खान की रिसेंटली रिलीज्ड पठान मूवी के अंदर किया गया था। आप लोगों ने देखा होगा, जॉन इब्राहिम ये गाड़ी लेके आते हैं और वहाँ पे एक विस्फोट करते हैं बड़ा सा। तो इसी गाड़ी की हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, आप लोगों को दिखाने वाले हैं कितना पावर यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है, कैसी ये गाड़ी है, कितनी प्राइसिंग वगैरह है। अब आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसको मैंने परचेज़ किया है फ्लिपकार्ट से, जिसकी बाइंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी ओवरऑल ये चिप कैसी है, क्या है और क्या इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस रहता है, वो आपको इसके वीडियो के अंदर आगे मिलने वाला है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। एंड सबसे पहले मैं इसकी सील ब्रेक करता हूँ। तो यहाँ से देखिए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि सबसे पहले क्या क्या देखने के लिए मिल जाते हैं इसके अंदर। तो आई थिंक यहाँ पे भी सील से देख सकते हैं। तो देखिए, अभी फ़िलहाल बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल बॉक्स को साइड में रखता हूँ, आप देख सकते हैं, बॉक्स को नीचे रख देता हूँ। एंड हमारी मेन गाड़ी के ऊपर फोकस करते हैं कि गाड़ी किस टाइप की होने वाली है। तो अब मैं एक आप लोगों को चीज़ बताना चाहूँगा कि हम आउटडोर में वीडियो इसलिए शूट कर रहे हैं, एक मजबूरी हो गई है, जिसका क्लिप मैं वीडियो के अंदर ऐड कर दूँगा। क्योंकि जिस जहाँ पर हम वीडियो शूट कर रहे थे, वहाँ पर अब राजस्थान में कितनी आंधी वगैरह चल रही है, आप आई होप आप लोगों को पता होगा। तो हमारी जो छत थी वो टीन की थी, पूरी टीन के पत्रों की, वो चली गई है। तो फिलहाल हम इसलिए यहाँ पर आउटडोर में वीडियो शूट कर रहे हैं, हमारा नीचे काम चल रहा है। जैसे ही काम खत्म हो जाएगा तो हम हमारे पूरा स्टूडियो में शिफ्ट कर देंगे। फिलहाल इसको आप पूरा अपर हेड ला के यहाँ पर कैमरे में आप लोगों को दिखा देता हूं। दोस्तों देख सकते हैं, ये हमारा कुछ ओवरऑल बॉक्स है, इसके अंदर क्या क्या देखने को मिल जाता है। देखिए नीचे भी एक बॉक्स मिलता है, तो इस बॉक्स को साइड में रखता हूँ। फिलहाल मैं सबको हटा देता हूँ यहाँ से। तो देखिए, इस वाले के स्क्रूज़ को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तब जाके रिमोट कंट्रोल यहाँ से बाहर आएगा। एंड यहाँ पर भी कुछ स्क्रूज़ दिए गए, तो इनको मैं हटा देता हूँ और गाड़ी को यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ। तो देख सकते हैं, फाइनली मैं गाड़ी को बाहर निकाल चुका हूँ यहाँ पर, और बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं। इसको भी मैं साइड में रखता हूँ एंड सभी चीज़ों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखिए, ये हमारी ओवरऑल गाड़ी है, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इसका लुक है। काफ़ी बड़े मॉन्स्टर टायर देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि फ्लफी टायर है, आप देख सकते हैं। काफ़ी रबड़ाइज टेक्चर वाले टायर है ये, आपके ईजिली कहीं भी फंसेगी भी नहीं, और ये ऑफ रोडिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी रहेगी। इसके साथ हम हैवी ऑफ रोडिंग भी करेंगे एंड हर एक चीज़ के साथ ट्राई करेंगे। ये इसका कुछ और रिमोट कंट्रोल आप देख सकते हैं, ये आगे और पीछे एंड लेफ्ट राइट, और कुछ ज़्यादा बटन देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ये इसका एंटीना है। एंड इस बॉक्स के अंदर देखते हैं कि जो इसके साथ वाइट बॉक्स मिला है, इसके अंदर क्या देखने के लिए मिल जाता है। देख सकते हैं, यहाँ से ये पूरा सील को ब्रेक करते हैं एंड तो देखिए, यहाँ पर इसका चार्जर है। तो देख सकते हैं, इस टाइप का ये चार्जर है इसका, नॉर्मल जो हर एक आरसी कार के साथ देखने मिल जाता है। एंड एक इसकी बैटरी है, जो कि 4 सेल बैटरी आप देख सकते हैं। एंड ये 3.5 वोल्ट होगी आई थिंक, एंड यहाँ से इसको चार्ज करना है। तो सबसे पहले हम उसका पूरा सेटअप करते हैं और फिर आपको मिलता हूं। दोस्तों, मैं गाड़ी के अंदर बैटरी वगैरह डाल चुका हूँ एंड ये रिमोट को भी मैं यहाँ पर पूरा यहाँ पर सेल वगैरह डाल चुका हूँ रिमोट के अंदर भी। यहाँ पर डबल बैटरी लगती है दो। अभी देखिए, यहाँ पर नीचे एक बटन है ऑन ऑफ का, तो आप देख सकते हैं इसको ऑन करना होगा। ये वाले जो है दोस्तों, ये एडजस्टमेंट है आपके टायर के लिए, कि आपका अगर ज़्यादा गाड़ी लेफ्ट की तरफ जा रही है तो आप इसको यहाँ पर पूरा कंट्रोल कर सकते हो, राइट की तरफ भी जा रही है तब भी इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो देखिए, रिमोट में आप दिखा लेता हूँ। देखिए, ये है फॉरवर्ड या बैकवर्ड, या अभी स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो लग रही है मुझे इसकी, क्योंकि एक ऑब्वियसली ऑफ रोडिंग कार है, तो इसकी स्पीड यहाँ पर लो ही होने वाली है, यदि कि लेफ्ट एंड राइट के लिए। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि हमने एक न्यू चीज़ ऐड की हमारी वीडियो के अंदर, कि हम लेंथ और वेट दोनों चीज़ हमें एक्स्ट्रा बताते हैं। तो इसकी लेंथ की अगर बात करूँ, तो आई थिंक ये 23x22 सेंटीमीटर यहाँ पर इसकी लेंथ देखने के लिए मिल जाती है। आप देख सकते हैं, आपको क्लियरली पता लग रहा होगा कि यहाँ तक इसकी लेंथ है 21 सेंटीमीटर, से थोड़ा सा ज़्यादा है, हम 22 सेंटीमीटर समझ सकते हैं। एंड अगर इसके वेट की बात करो ओवरऑल हर एक चीज़ को इंक्लूड करके, तो देख सकते हैं मैंने इसके अंदर बैटरीज वगैरह हर एक चीज़ डाल दी है। तो अब मैं इसको इसके ऊपर रखता हूँ। तो देखिए, 414 ग्राम का इसका वेट देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी हैवी वेट गाड़ी है। और ऑफ रोडिंग के लिए तो ऑब्वियसली ज़्यादा हैवी वेट होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑफ रोडिंग काफ़ी अच्छी करेगी। तो अभी ऐसा करता हूँ, मैं यहीं पर थोड़ी सी चला लेता हूँ। वंस मोर देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वैसे देखिए दोस्तों, इसकी स्पीड मुझे यहाँ पे स्लो लग रही थी, बट इतनी ज़्यादा स्लो स्पीड इसकी है नहीं। तो देख सकते हैं, मैं अभी अपनी कुर्सी पर बैठा बैठा इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। तो देखिए, स्पीड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिख रही है मेरे को अभी। देखिए, मैं इसको ड्रिप मरवाता हूँ यहाँ पे।
तो ड्रिप काफ़ी अच्छा लेती है ये। अभी ऐसा करते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह लाते हैं उसके ऊपर चढ़ती है या फिर नहीं, इसको ऑफ रोडिंग भी करवाते हैं, तो अब सब कुछ हम ट्राई करने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों हम हमारी इस छत पर बता चलाते हैं इसको, तो देखिए कंट्रोलिंग काफ़ी स्मूथ है। देखिए काफ़ी ज़्यादा कट रही गाड़ी, पावर स्टीयरिंग यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो फिलहाल दोस्तों हम आ चुके हैं आउटडोर के अंदर। अब हमने वहाँ पर अपने छत के ऊपर तो ट्राई कर लिया, काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रही थी, ड्रिप वगैरह काफ़ी अच्छे से कर रही थी, लेकिन अब ऐसा आउटडोर में यहाँ पर ये ठीक से परफॉर्म करती है या फिर नहीं, तो देखिए अब सिंपली ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए वैसे ये मतलब जहाँ तो काफ़ी अच्छी से रही, लेकिन स्पीड थोड़ी यहाँ पर आके मतलब बाहर आके स्लो पड़ गई है। बाकी अगर मैं यहाँ से देखिए टर्न लेता हूँ तो काफ़ी शार्प टर्न लगी है। देखिए ज़रा देखिए इतना ज़्यादा यहाँ पर इसके अंदर पावर देखने के लिए नहीं मिलता, आप देख सकते हैं इसकी स्पीड बिल्कुल भी एकदम स्लो पड़ गई है एंड आगे से डिगमगा रही है यहाँ पर चलते चलते टाइम। तो मतलब इतना ज़्यादा पावर तो देखने को नहीं मिलता। इससे बेहतर मैंने एक कार अनबॉक्सिंग की थी जो कि 1800 रुपये की थी सेम प्राइसिंग के साथ, और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर था क्योंकि वो 4x4 थी और ये 4x4 नहीं है, इसके सिर्फ मतलब टू व्हील ही काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं फिर से इसको बैक लेता हूँ एंड आगे चलाते हैं इसको एक बार फिर से मैं टर्न ले, ऐसे ऐसा करते हैं हमारे घर के ऊपर यहाँ पे चढ़ाते हैं। देखिए एक बड़ा सा रैंप है तो यहाँ पर इजीली चढ़ गई है, तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो करती है ये, लेकिन मतलब फिर भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म तो कर रही है क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर ये 4x4 व्हील नहीं, यहाँ पर पावर देखने के लिए नहीं मिलता है क्योंकि इसके सिर्फ यहाँ पर पीछे वाले टायर काम करते हैं, जो फ्रंट वाले टायर है वो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर देख सकते हैं, ये लेफ्ट एंड राइट के लिए। अगर आप मैं आपको बताऊँ तो देखिए सिर्फ यही टायर काम कर रहे हैं, तो ये 4x4 यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलती है। बाकी परफॉर्म काफ़ी अच्छी करी है ये, सबसे बेहतर इसको चलाने का एक्सपीरियंस है मेरे यहाँ पर, जो मैं यहाँ पर अपने आंगन के अंदर चला रहा था, यहाँ पर छत के ऊपर काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रही थी, मतलब एक फ्लैट सर्फेस चिकना सर्फेस वहाँ पर ही काफ़ी अच्छे से चलती है, एकदम से आप रोकोगे तो एकदम ट्रिप मारती है ऐसे, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करती है। लेकिन अगर बाहर आउटडोर के अंदर आई होप आप लोग नहीं चलाओ तो बेहतर रहेगा। तो अभी दोस्तों हम इसको यहाँ पर ऐसा करते हैं कि ढलान में छोड़ दिया, हम आगे जाके इसको टर्न मरवाते हैं ताकि आप लोगों को भी दिखाते हैं कितना अच्छा टर्न लेती है, तो आई होप ये टर्न लेगी। हाँ हम देखते हैं, ट्राई करते हैं, चलिए। तो देखिए काफ़ी अच्छे से इसने टर्न लिया था, आई होप आप लोगों ने इसको पूरा से अच्छे से देखा होगा, मतलब मुझे मतलब थोड़ा सा भी अच्छा लगा इसके बारे में कि ये परफॉर्म कर सकती है। तो क्योंकि अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको ट्राई किया है, यहाँ पर ये मतलब धूल मिट्टी भी नहीं चल पा रही ठीक से, तो हमने जो आपको पता हो याद होगा जो कीचड़ वाला यहाँ पर एक इसकी ऑफ रोडिंग ट्राई की थी हमने, जब कार वगैरह की अनबॉक्सिंग की थी या फिर जेसीबी की अनबॉक्सिंग की थी, तो उनको हमने ऑफ रोडिंग करवाई थी कीचड़ के अंदर। लेकिन इसलिए इसको इसके साथ मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पर भी इतनी मुश्किल से चल रही है, तो फालतू में हमारी मेहनत लगेगी, तो वहाँ पर ये मतलब मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि वहाँ पर ये नहीं चलेगी। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतना ही था, आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये कार आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।